हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राज ऑल अबाउट स्टडी पर। जैसा कि आप सब देख पा रहे हो कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, जो क्लास 10 का मैथ है जो यहीं से स्टार्ट होता है। वास्तविक संख्या में हम देखेंगे कि सबसे पहले संख्या, हमारा वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या आता है उसको देखेंगे, तभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वैसे आज इस वीडियो में चैप्टर का जो शुरुआत कर देंगे, एक दो सवाल बताएंगे, सबसे पहले इसके हम बेसिक जानकारी सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है उसको पहले सीखते हैं। चलिए, जो वास्तविक संख्या में हमारा आता है, एक मिनट मैं इसको रेज कर देना, फिर आपको अच्छे से बताता हूँ। जो आपका वास्तविक संख्या में दोस्तों आता है, वास्तविक संख्या में आपको संख्या जाता है वो आता है आपका सबसे पहले पूर्णांक संख्या। क्या आता है? पूर्णांक संख्या आता है, पूर्णांक संख्या जिसको आप इंटीजर बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो? इंटीजर बोलते हो, ठीक है, इसको याद रख लो, इंटीजर। उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्राकृत संख्या। उसके बाद क्या आता है? प्राकृत संख्या जिसको आप नेचुरल नंबर बोलते हो, जिसको आप नेचुरल नंबर बोलते हो। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है आपका पूर्ण संख्या। इसको आप लिख लो दोस्तों, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, इसको हम इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है, उसके बाद जो आपका आता है उसके बाद आता है परिमेय संख्या। उसके बाद क्या आता है आपका? परिमेय संख्या आता है, परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं इसको। और उसके बाद आता है आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये जो संख्या जो मैंने लिखा है, ये सारे संख्या कौन सी है? ये सारे संख्या आपकी रियल नंबर्स हैं, यानी कि वास्तविक संख्या। इंटीजर हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या, ये पांचों आपकी वास्तविक संख्या में आता है। इसी पांच जो ये पांच जो संख्या है, अगर ये सीख ले तो जो आपका पहला चैप्टर रियल नंबर से, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, समझने में आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी। तो चलिए हम बारीकी बारीकी से सीखते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, आप परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। चलिए हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम पूर्णांक संख्या। क्या देखेंगे? पूर्णांक संख्या। जो पूर्णांक संख्या आपका होता है वो स्टार्ट होता है माइनस से स्टार्ट। जैसे कि आपका हो गया माइनस छः हो गया, माइनस पाँच हो गया, माइनस चार हो गया, माइनस थ्री हो गया, माइनस दो हो गया, उसके बाद क्या माइनस एक, उसके बाद जीरो, अब उसके बाद इधर क्या होगा? प्लस में होता जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः। ये सब जो आपका मैंने जो ये मैंने लिखा है, ये सब क्या आपका पूर्णांक संख्या, इसको आप इंटीजर बोलते हो, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या आप अच्छे से सीख पाएँ। अब हम देखेंगे प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वन, जैसे कि एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच, इन्फिनाइट तक, ये सब आपका क्या हो गया? प्राकृत संख्या। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या जिसे आप होल नंबर कहते हो। होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, जैसे कि मैं जीरो एक दो तीन चार, ये भी इन्फिनाइट तक, दिस इज़ होल नंबर। तो आप पूर्णांक संख्या समझ गए, प्राकृतिक संख्या समझ गए और पूर्ण संख्या समझ गए। अब आपका आता है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या आप देखिए बढ़िया तरीके से, देखिए परिमेय संख्या जो होता है उसको हम पी वटे क्यू के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? पी वटे क्यू के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या को हम पी वटे क्यू के रूप में लिखते हैं। ये जो क्यू है दोस्तों, आपका नीचे वाला पार्ट यानी कि हर वाला पार्ट, ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, अगर ये जीरो है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ये क्यू जो नीचे वाला पार्ट है, ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ कि पाँच बटे जीरो, अगर आपको बोल दे कि पाँच बटे जीरो क्या ये एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं है रेशनल नंबर, क्योंकि नीचे जो आपका जीरो आ गया। तो यहाँ क्या बोल रहा है? ये क्यू वाला पार्ट जो हर वाला पार्ट है, ये जीरो आपका नहीं होना चाहिए। इसलिए जीरो ये क्यू हो गया, तो ये जीरो है इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। जैसे मैं बात करूँ पाँच बटे एक, तो ये हमारा क्या एक तरह से रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है।
एक बटे तीन, एक बटे चार, ये सब क्या है सारा रेशनल नंबर। इतना समझो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए हर वाला पार्ट में। और एक बात, जो हमारा जो परिमेय संख्या होता है उसका जो HCF होता है दोनों का, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का, उसका HCF हमेशा एक आना चाहिए। कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। कितना चाहिए HCF आपका? HCF आपका एक आना चाहिए, ठीक है। जो परिमेय संख्या दोनों होता है PQ, जो PQ का HCF है वो हमेशा एक आना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या हो सकता है। ये भी एक तरीका है जांच करने का, ठीक है। तो आप परिमेय संख्या अच्छे से समझ पाए, ठीक है। चलिए थोड़ी सी और मैं परिमेय संख्या आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको बोल दें कि 5 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। कैसे है? हाँ, अच्छा, आपने पढ़ा है कि पी बटे क्यू के रूप में जो रहेगा वो होगा परिमेय संख्या। तो क्या 5 है आपका, ये आपको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। अगर आप नीचे कुछ भी नहीं है तो एक रहता है, एक कोई मायने नहीं रखता है, एक को डिविजन, एक अगर एक से डिवीजन करोगे तो 5 ही आएगा शेषफल उसका। तो 5/1, तो नीचे ये हो गया आपका क्यू हो गया, ये पी हो गया, तो पी बटे क्यू के रूप में हो ना गया, तो ये भी आपका क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। चलिए तो परिमेय संख्या आप समझ पाए। अब जो हमारा आता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे इरेशनल नंबर, जिसे आप अपरिमेय संख्या बोलते हो। देखो अपरिमेय संख्या जो होता है वो बेसिकली आपका रूट में होता है। जैसे जितने भी आपके अभाज्य संख्या होते हैं, अभाज्य संख्या आपको पता है, अभाज्य संख्या हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या आपको पता होगा, अभाज्य संख्या जिसको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। जो अभाज्य संख्या जितनी भी चीज़ है, जितने भी अभाज्य संख्या है वो सारी क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे मैं अभाज्य संख्या का एग्जांपल लूँ तो आपका हो गया सबसे पहले नंबर अभाज्य संख्या 2 हो गई आपकी, हो गई ना, 2 हो गई आपकी, 5 हो गई, 7 हो गई, ये सारे क्या है? अभाज्य संख्या। जो अभाज्य संख्या होती है वो ना खुद से विभाजित होती है और एक से विभाजित होती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या होती है? अभाज्य संख्या एक से विभाजित होगी और खुद से विभाजित होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो अभाज्य संख्या आप समझ पाए। जैसे देखो 2 है, 2 क्या है? एक से तो विभाजित हो ही जाएगा, एक से कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा, नहीं कटेगा? 5 भी एक से कटेगा और खुद से भी कट जाएगा, 7 भी एक से कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा। तो ये सारे सब हमारे क्या हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर, जैसे लिखूँ √2, √5, √7, √11, जितने भी अभाज्य संख्या हैं सब सारे क्या हैं? अपरिमेय संख्या। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने, मैंने जितना भी संख्या आपको बताया वो सारे आप समझ पाएँ, वो सारे आप समझ पाएँ। इनको आप नोट कर लो अच्छे तरीके से। पूर्णांक संख्या को, ये आपका हो गया पूर्णांक संख्या, इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, एंड पूर्ण संख्या होल नंबर से बोलते हैं स्टार्ट फ्रॉम 0। परिमेय संख्या रेशनल नंबर इसको बोलते हैं, जो आपको मैंने बता दिया आगे। और अपरिमेय संख्या रेशनल नंबर, और ये सब सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। तो इनको आप अच्छे से कॉपी में नोट बना लो, और आगे मैंने इसका संपूर्ण विश्लेषण किया है, ठीक है। और आगे देखो मैंने ये बता दिया, ये जो आपका देख रहे हैं ये आपका क्या है? ये आपका पूर्णांक संख्या है, और ये आपका क्या है? ये आपका प्राकृतिक संख्या है, और ये आपका पूर्ण संख्या। और इधर मैंने आपको अभी पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बताया, ठीक है। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट है, ये सब अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप सीखी क्योंकि मैंने अच्छे से बताया, ठीक है। अब हम थोड़ा देखते हैं चैप्टर स्टार्ट, जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है उसको हम देखते हैं। चलिए एक और पॉइंट देख लेते हैं, जो आपका जो सवाल कहता है ना, पहला सवाल जो आपका कहता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट सवाल आपको। तो आप सवाल देखिए, यहाँ सवाल जो आपका कह रहा है वो कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले देखेंगे कि ये यूक्लिड विभाजन जो देख रहे हैं आप, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, तभी हम इसको हल करेंगे। वैसे तो दोस्तों आप सब HCF डायरेक्ट निकाल देते हो, वो भी ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है आपको, ज़्यादा कुछ हल नहीं करना है। फिर भी हम देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो HCF तो वैसे निकाल दोगे आप, ठीक है। तो हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन। चलिए सबसे पहले हम देखें क्या यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन आपका होता है, सपोज अगर आपका कोई दो संख्या है, जैसे मैं बात करूँ, एक संख्या आपका 5 हो गया और आपका 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। तो 5 जो है वो क्या है? 7 से छोटा है, और 7 क्या आपका?
सात बड़ा है, यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, फाइव ग्रेटर देन सेवन, ठीक है, देन सेवन ग्रेटर देन फाइव, यानी कि जो पाँच है छोटा है और सात क्या बड़ा है, ये एक संख्या एक संख्या। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फाइव बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाइव बराबर ए क्यू प्लस आर। एक मिनट मैं इसको थोड़ा दूसरी टाइप से समझाता हूँ, ठीक है। सपोज दैट आप मान लो कि कोई ए एक संख्या और बी संख्या, जो ए है वो क्या है आपका बी से बड़ा है, ए क्या है बी से बड़ा है, तब इसको हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या लिखेंगे बी क्यू प्लस आर। अब जो आर जो है, ये जो बी देख रहे हैं आप, ये आर जो है ये बी से छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। सपोज दैट बी आपका एक है तो आपका आर जीरो होना चाहिए, अगर बी दो है तो ये दो से छोटा यानी कि एक होना चाहिए, अगर बी तीन है तो ये इससे छोटा, यानी कि इतना जानो जी ये देख रहे हो आप ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आर बी से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यही आपका क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ए जो देखिए ए क्या है, ए बड़ा है बी छोटा है, उसी तरह अब देखिए मैं आपको थोड़ा अंक लेके समझाता हूँ, क्या करके अंक लेके, जैसे कि आप मान लो पाँच है और दस है, तो कौन पाँच छोटा है दस बड़ा है, यानी कि इसको ऐसे कर सकते हैं। तो हम इसका यूक्लिड विभाजन का उपयोग कैसे करेंगे, बड़े वाले को छोटे वाले से, छोटे वाले में से भाग दें, कितना बार में कर जाएगा दो बार में, यही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल की ओर, देखिए आपका सवाल इसमें क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल आपका 135 और 225, चलो मैं इसको जूम कर देता हूँ। पहला सवाल आपका क्या है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके एलसीएम ज्ञात करें। चलिए हम देखते हैं इनका एलसीएम, चलिए क्या सवाल है आपका, सवाल है आपका 135 और 225, यही है ना। देखिए इसमें क्या करना है, कौन बड़ा है 225 बड़ा है, यानी कि इसको ऐसे कर सकते हैं। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करने बोल रहे हैं, यानी कि बड़े वाले को से छोटे वाले में से भाग दें, यानी कि छोटे को बड़े में से भाग दें। अब देखो 225 है ना, तो कैसे करेंगे इसको, अब मैं चलो इसको मिटा देता हूँ, तो 225 को आप किससे भाग दोगे 135 से। अब देखो बिल्कुल एचसीएफ ज्ञात करने बोल रहा था, एचसीएफ आपको ज्ञात करना आता है, तो देखो 135 में से एक बार में जाएगा तो कितना बचेगा, दो बार में तो जाएगा नहीं, अरे पाँच में पाँच जाएगा जीरो, और ये बारह में तीन नौ होगा, ये और ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एचसीएफ जैसे निकालता है बिल्कुल वैसे निकालना, अब 135 हो गया, अब देखो फिर एक बार में चला जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा ये पाँच हो जाएगा और ये इधर चार हो जाएगा। अब देखो जब तक कटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एचसीएफ यही हमारा कहता है जब तक लास्ट भाग नहीं लग जाए। अब दो बार में कट गया, ये पूरा पूरा कट चुका, अब हमारा एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, एचसीएफ जो आपका हो जाएगा वो आपका 45 हो जाएगा। जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, जो लास्ट वाला भाग सबसे कट जाता है, जो लास्ट में संख्या जो कटता है जिससे, वही आपका एचसीएफ होता है। तो लास्ट में जाकर किससे कटा है, 45 से कटा है, हालांकि भाग 135 से लगा, ये भाग नहीं है, ये आपका एचसीएफ निकालना है, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो लास्ट वाला किससे कटा 45 से, तो आपका एचसीएफ 45 हो गया, ठीक है। यही आपका क्या हो गया